Ayushmaan, oh, Ayushmaan. अरे बात क्या है? आयुष, तुम लोगों को वापस जंगल जाना होगा, कुछ देर और छुपना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे डैड यहाँ पहुँच चुके हैं। तो क्या हो गया? इतनी मुश्किल से तो हमें रास्ता मिला है और अब मैं पापा से बात कर लूंगी। तुम कुछ नहीं समझती तानी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है और तुमसे ज्यादा आयुष के लिए। मुझे पता था यही होने वाला है। आयुष, आयुष, डॉक्टर दालमिया समझ रहे, तुम तानी को किडनैप करके यहाँ लाए हो। What? हाँ, यही सच है। तानी, तुम क्या चाहती हो, आयुष जेल चला जाए? नहीं ना, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, तुम लोग थोड़ी देर और छुप जाओ और तब तक हम कुछ सोच लेंगे कि क्या करना है। What nonsense? मैं किसी से नहीं डरती, अपने पापा से भी नहीं। अगर पापा ने आयुष पे झूठा इल्जाम लगाया है तो मैं आयुष की तरफ हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं पुलिस से जाकर अभी बता दूंगी सब कुछ। मैं आयुष को कुछ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। चाहे इसके लिए मुझे पापा से लड़ना पड़े। वो सब तुम बाद में करती रहना, अभी सिचुएशन ये है कि यहाँ पुलिस पहुंच चुकी है आयुष को पकड़ने के लिए। नहीं नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, हमने कोई गलती नहीं की है। मैं अभी जाके उनको बताऊं। आयुष प्लीज। आयुष, रोहित ठीक कह रहा है, तुम प्लीज कहीं जाके छुप जाओ ना। आयुष प्लीज, मेरे लिए। चल आयुष। कम शरण। पापा, आप मुझे ढूंढ रहे हैं ना? तानी, तानी कहाँ चली गई थी तुम ठीक तो हो ना? कहाँ है वो आयुष्मान जो तुम्हें यहाँ इस तरह लेकर आया? पापा प्लीज, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं अपनी। देखो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप एक काम कीजिए, जरा जरा ढूंढिए वो आयुष्मान को, ढूंढिए, वो यही कहीं होगा, गाँव में छुपा होगा वो। पापा, चलो तुम चलो। बस बस बस, ध्यान कहाँ तुम्हारा? और ये क्या, सुबह सुबह रोना शुरू कर दिया? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या? जैसे कि आप जानते नहीं। अरे ऐसी कौन सी कयामत आ गई आयुष की, पता नहीं वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा। सोनिया के पास उसका नंबर भी नहीं है। मुझे नहीं लगता उसने डॉक्टर दालमिया की बेटी को भगा कर ले गया होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखो उषा, उसने गलती की है, उसे सजा मिलेगी, भुगतेगा वो। आपको अपने बेटे पर विश्वास ही नहीं है ना? विश्वास तुम्हें है ना, फिर जीती रहो जिंदगी भर इसी भरोसे। वही तो कर रही हूं मैं, उसी की वजह से मैं जिंदा हूं। लड़की भगाता है क्या समझता तुमने? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ गांव की तरफ चल के जा रहे थे। समझता नहीं है? हट जाओ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जबरदस्ती मत कीजिए, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। हम किधर भाग नहीं हुए थे? हाँ पता है मुझे मालूम, बैठ गाड़ी में, चल चल बैठ। अरे लेकिन मुझे हवा की हवा खिलाता हूँ, बैठ गाड़ी में, चल। आयुष, सर प्लीज रिलैक्स सर, तानी अभी बच्ची है ना, समझ है, उसे आप प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। सर सर, मैं सोच रहा था अगर कुछ दिनों तक तानी वर्दा ना आए तो
जस्ट थिंक इट ओवर, ठीक रहेगा शायद। यस मैम। प्लीज सबमिट इट। दिल्ली जाना पड़ेगा। क्या हुआ बच्चा, चुपचाप क्यों बैठी हो? ये क्या है बताओ? दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल गया। I'm so proud of you. मैं तो हमेशा चाहती थी कि तुम दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जाओ। It's so tough to get in there. लेकिन मॉम वो, मॉम एक्चुअली मुझे यहाँ प्रगति स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी एडमिशन मिल गया है। तुम दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को प्रगति स्कूल के साथ कंपेयर कर रही हो? प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, कॉलेज या दिल्ली? मॉम लोग तरसते हैं वहां एडमिशन के लिए और तुम जाना नहीं चाहती। What do you mean? क्या ये जरूरी है कि आपका सपना और मेरा सपना एक हो? मैं यहीं रहना चाहती हूँ मुंबई में। नो सोनिया, जो वहां सीखने को मिलेगा वो यहां सीखने को नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। Do you understand? मॉम मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, लेटर आने से पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वोंट गो टू दिल्ली। मुझे पता है तुम दिल्ली क्यों नहीं जाओगी, वो आयुष के लिए ना। सोनिया, दोस्ती अपनी जगह पर है और करियर अपनी जगह पे, और तुम ये जितनी जल्दी समझ लो वो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तुम यही रहो। हाँ, आई हैवंट फिनिश्ड दिस कॉन्वर्सेशन। आयुष्मान साहब को पुलिस पकड़ कर मुंबई ले गई, पता नहीं अब क्या होगा, भगवान उनकी रक्षा करे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हेलो दी। तानिया, अरे तानिया कहाँ हो तुम? कितना तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। ललन को भी मैसेज दिया था मैंने, तुमने फोन क्यों नहीं किया अब तक मुझे? दीप, पापा यहाँ पर आ गए और साथ में पुलिस को भी ले आए। पुलिस? हाँ, और पता है उन्होंने पुलिस को ये बोला है कि आयुष मुझे आप भगा के लेके आए। दीप प्लीज आप कुछ करो, अब पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तान्या जस्ट रिलैक्स, फिलहाल पापा जो कह रहे तुम वही करो। दीप अब मैं फोन रखती हूँ, पापा वेट कर रहे हैं। बाय। क्या हम कुछ देर के लिए बात नहीं कर सकते? मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उर्वशी, just let me be. उर्वशी प्लीज, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। उर्वशी ये सच है कि कुछ परसों पहले मैं और सुनैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुनैना के पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं। रोशि ये भी सच है कि मेरा वो प्यार कभी मरा नहीं, मेरे दिल के किसी कोने में रह गया वो, लेकिन मैं उसे कभी मिला नहीं। अपने जज्बातों को इतना अंदर दफना दिया कि कभी उभरे ना।
मैंने अपनी शादी की कोई सीमा पार नहीं की, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, इस घर में तुम्हारा पति। प्यार किसी से करो, शादी किसी और से करो, और कोई गिल्ट नहीं। और उसके बाद भी माफी की उम्मीद रखते हो? प्लीज, प्लीज। मुझे देर हो रही है अनुराग, खाना बनाना है, ना मैं अनुराग बोल रहा हूं। तुम? वो मैं, मैंने सोनिया के लिए फोन किया था, मुझे हॉस्पिटल जाना है तो बोधी के लिए। मैं उसे बता देता हूं। सुनैना, मैंने उर्वशी को सब कुछ बता दिया है, तुमसे किया हुआ वादा मैं भूला नहीं। मैं फोन रखती हूँ अनुराग। किससे बात कर रहे थे? ओ डॉग, ये है तुम्हारा एक मौका। मेरे कमरे से निकलते ही तुम उससे फोन करने लगे। कुछ देर पहले तुम मुझे सफाई दे रहे थे, मैं तो तुम पर विश्वास भी करने लगी थी अनुराग कि शायद तुम और मैं, लेकिन वो सब झूठ था। एक मिनट, तुम तो उससे प्यार करते हो, सुनैना से। तुम उसे क्या वादा कर रहे थे? हाँ, उसे साथ रहे, उसे शादी कर दे। हाँ, तुम इस हद तक गिर गए कि तुम तुम्हारे प्यार के लिए सोनिया का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो? ऋषि, ऐसा चुप। हमारी 20 सालों की शादी झूठ है अनुराग। ये घर, हमारे बच्चे, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। लेकिन तुम याद रखो अनुराग, मैं तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारी पत्नी हूं, और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन मैं अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बेटे सुन, मॉम फोन दीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूं। बेटे, हक फिलहाल मैंने तुमसे छीन लिया है तानिया, क्योंकि तुम्हारी समझ पर पर्दा पड़ चुका है। प्यार? आप नहीं समझेंगे, जो अपनी औलाद से प्यार ही नहीं करता उस पे हक ही जमाना जान सकता है, वो किसी की फीलिंग्स क्या समझेगा। मैं आपको कुछ समझाना भी नहीं चाहती, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मैं आयुष के साथ रहूंगी, और मुझे इसके लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। ये जो प्यार का भूत सवार हो गया ना आप पर, बहुत ही जल्द उतर जाएगा, क्योंकि आपका ही आयुष उस दिन को कोसेगा जब वो आपसे मिला था। कैसे बाप हैं आप,
एक बाप होकर आप अपनी औलाद को कोस रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी में मेरी जरा से भी अहमियत है ना पापा, तो प्लीज आयुष को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। उसी की गलती है, तुम्हारी आंखों पर पट्टी पड़ी है लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आता है। फ्रॉड है वो, फ्रॉड। उसे मैं पहले दिन से पहचान गया था, लेकिन नहीं, सुनैना की जिद थी कि वो एक बड़ा जीनियस है, जीनियस है, जीनियस है। जीनियस शरीफ घर की लड़कियों को उठाकर भगाकर नहीं ले जाते कहीं। उसने तुम्हें बहलाया, फुसलाया और तुम भी उसके चक्कर में आ गई। पापा प्लीज, आप आयुष के बारे में कुछ नहीं जानते और आप आयुष के बारे में एक लफ्ज भी मत कहिएगा, क्योंकि आपकी कोई भी बात मुझे आयुष से दूर नहीं कर सकती। बहुत छूट दे रखी है मैंने तुम्हें, ये इसी का नतीजा है। लेकिन मैं अब देखता हूं कि तुम आयुष को कैसे मिलती हो, और ये सिर्फ धमकी नहीं है तानिया, आज से इस घर का नियम है जो तुमको क्या कोई नहीं तोड़ सकता। चलो पता है आज मुन्ना आने वाला है। हाँ बोधी, आज आयुष आने वाला है। बोधी, मुन्ना के लिए एक सरप्राइज दे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ, ओके? हाँ। ठीक है। ये लो, इसे फुलाओ। सोनिया। आयुष, you know I missed you so much। पता कितनी सारी बातें करनी है। मुझे तुमसे कुछ कहना है सोनिया। हाँ आयुष, कहो ना। I love you सोनिया। कैसे हो तुम? कैसे लगा मेरा सरप्राइज? क्या जरूरत है ये सब करने की, पहले मुझे बहुत सरप्राइजेस मिल चुके हैं। आयुष तुम्हें पता है दादी के जाने के बाद बोधी ने क्या किया? बोधी को मुन्ना की बहुत याद आई। सोनिया, बोधी को थोड़े देर के लिए अंदर ले जाओ, मुझे डॉक्टर सेठ से बात करनी। चलो बोधी। मैम, मेरी जमानत देने के लिए थैंक्स, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। चलो आयुष, जो कुछ भी हुआ ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैम, मुझे तानी से बात करनी है अभी। आयुष, तुम इतना सब हो जाने के बाद भी तुम्हें? मैम प्लीज। हेलो सर, मैं तानिया से बात कर सकती हूँ? बहुत हो गया सुनैना, कुछ भी हो जाए मैं तानी को नहीं खो सकता, और अगर उसके लिए उसे तुमसे मिलने से रोकना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। तानी अब न तुमसे बात करेगी ना किसी और से। उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। क्या हुआ मैम? आयुष, इस बारे में इस वक्त हम बात नहीं करें तो बेहतर है। मैं जानता हूं मैम, ये सब मेरी वजह से हुआ है, और इसलिए डॉक्टर दाल में तानी को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तानी मुझे चाहती है और मैं
मैं भी तानी से बहुत प्यार करता हूँ।